आदाब, आप देख रहे हैं आवाज नवाइस और मैं हूं नजीर गनाई। आज हम एक खास शख्सियत से मिल रहे हैं और ये एक होनहार रबाब प्लेयर है। इज अ पैशनेट रबाब प्लेयर एंड ही हैज बीन लर्निंग दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज अ वेरी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट रबाब फ्रॉम हिज स्कूल डेज। एंड अली हैज बीन नाउ परफॉर्मिंग इन लॉट ऑफ फेस्टिवल्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। अली शबीर गोजवारी, अली बहुत बहुत शुक्रिया। एंड रबाब अब एक जर्नी बन रही है आपकी। हाँ। तो कैसा जर्नी है सो फार आपका? मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग जर्नी है एक्चुअली, एक ऐसी जर्नी जिसका कहीं एंड नहीं है। बिकॉज मैं बिलीव करता म्यूजिक का कहीं एंड नहीं, और ये जर्नी जो कभी खत्म नहीं होती है, आई फील हम ये म्यूजिशियंस के लिए बहुत जरूरी होती है। इट इज समथिंग की यू नीड नाउ, इट इज समथिंग आई नीड नाउ। ऐसे भी टाइम आए हैं जहाँ पे ऐसा लगा है कि म्यूजिक में ही कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बट देन कभी कभी टीचर्स की वो डांट, कभी कभी शाबाशी, उसी से आई थिंक आई फील मेरा ये जर्नी कंटिन्यू रही है। और तो जो आपको देख रहे हैं खासतौर से एक खास प्रोग्राम में जिनको हम दावत देते हैं, और आई थिंक यू आर प्रोबेबली वन ऑफ द यंगेस्ट गेस्ट्स वी हैव ऑन दिस शो। और आप क्या इस वक्त करते हैं और म्यूजिक को आप कैसे परस्यू करते हैं? क्योंकि आप एज फार एज आई नो यू आर करंटली अंडर स्टडीज, यू आर स्टडिंग फ्रॉम अमर सिंह कॉलेज, तो उसके बारे में बताएं। मैं अमर सिंह कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, सो क्वाइट यंग ट्रू, बट म्यूजिक इवन दो थोड़ा हेक्टिक स्केड्यूल होता है, म्यूजिक कभी छोड़ा नहीं। अगर 5-6 मिनट मिले, 10 ही मिनट मिले, बट ये एक मेरी ऐसी हॉबी है जो मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता। सो आफ्टर कॉलेज, आफ्टर माय वर्क, आफ्टर द स्टडीज एंड एवरीथिंग, मैं 10 मिनट, 5 मिनट, आई हैव दिस सेपरेट एरिया एक रूम में, तो उसमें सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, गिटार, रबाब, इवन हारमोनियम, नोट भी आई रिसेंटली एडेड टू माय कलेक्शन। तो बस उसमें बैठता हूँ, सॉन्ग्स होने चाहिए तो उसके साथ मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा। बस वो एरिया, वो मूवमेंट। अच्छा, इस पे हम बात करेंगे कि रबाब ही क्यों आपने चुना और व्हाट वाज द मेन मोटिव फॉर दिस। तो आप भी चाय ले लीजिए, चाय बहुत अच्छी बनी है और हम भी चाय का मजा लेंगे। तो आपके स्कूल में, आप दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर से पढ़े हैं जी, तो क्या लगता है आपको वहां पे आपको इसकी तरबियत दी गई थी कि आपने कहीं और भी सीखा? मेरा मानना है DPS वन ऑफ द ओनली स्कूल्स वैली में है जो इसको थोड़ा सीरियसली ले लेता है। म्यूजिक थोड़ा बैकलैश में रहा है कश्मीर में, वैली में, कि नहीं जी ये क्यों करना है, इसको थोड़ा डिमीनिंग वे में देखा गया है। बट आई फील DPS में जब हम स्टूडेंट्स थे, मैं 6th क्लास में था, 6-7 years ago, 8 years ago, तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि वाह म्यूजिक है, एंड मेरे टीचर्स का वहाँ बहुत स्पेशल रोल, उन्होंने बोला है हाँ जी करो। एंड यू नो स्कूल अगर आपको वो करने देता है, आप भी थोड़ा उसमें इंटरेस्टेड और हो जाते हैं, तो उसका खास रोल रहा। तो जहाँ पे बाकी लोग या बाकी स्कूल जो है खास तौर से कोकुलर एक्टिविटीज में है, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स है या बाकी सब चीजें हैं, तो DPS ने इस पे ध्यान दिया, इस पे जो आपका प्रॉपर डिपार्टमेंट भी है जी। तो रबाब क्यों? Why you also mentioned कि गिटार भी है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी है, लेकिन रबाब is an instrument which is traditionally very old instrument. It's an instrument which is mostly played in the folk, and it's an instrument which is played mostly in Peshawar. It's played in Afghanistan or maybe parts of Iran and Kashmir also. So what attracted you towards rabab? To be honest, ये थोड़ी मैं इसको funny story लेता हूँ।
एक्चुअली जस्ट बिफोर मैंने रबाब शुरू किया था मैं दिल्ली में गिटार की क्लासेस लेता था एंड जब तक वापस आया तब तक ये समझ आया था टीचर होना जरूरी है. मैंने कोशिश की थी मैं गिटार कंटिन्यू करूंगा एंड जब मैं टीचर के पास गया वो अवेलेबल नहीं थे एंड देन वहाँ रबाब के टीचर थे कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लगा एंड उन्होंने कहा इनवाइट किया उन्होंने डू यू वांट टू ज्वाइन इन. मैंने भी कहा व्हेन आई हैव टू लर्न समथिंग कुछ तो कर लेते हैं एटलीस्ट. तो वहां से मैंने गिटार छोड़ दिया एंड रबाब उठा लिया. उसके बाद आई फील पार्ट बन गया मेरी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन गया जो मतलब अगर मैं जाना जाता था स्कूल में दैट वाज कि ये रबाब बजाता है तो वो छोड़ा नहीं फिर कभी. अच्छा तो स्कूल में जब भी कोई फंक्शन हो या जब भी कोई ऐसा कोई मकाम हो कि लाइन में सबसे पहले तो रबाब बिकेम द सिंबल. रबाब मेरे लिए वो बन गया आइडेंटिटी का जरिया. हमने ये भी देखा कि बीपीएस से कुछ और भी ऐसे स्टूडेंट्स निकले हैं जैसे कि सुफियान है या और भी आई थिंक रोमान है जी. He also came from DPS. तो एक इदारे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं भी मानता हूँ. लेकिन उसके बाद जब आप मेन स्ट्रीम में जाते हैं तो मेन स्ट्रीम में आपको क्या लगता है कि इज देयर एनी एक्सेप्टेंस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट और जनरली पीपल लाइक यू हु आर जस्ट वेरी न्यू यंग एंड हु वांट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिफरेंट जॉनर ऑफ म्यूजिक. मेन स्ट्रीम में जब हम बात करते हैं मैं तो स्टार्टिंग आउट बट ये मेरा एक्सपीरियंस है मेन स्ट्रीम में आजकल रबाब की वैल्यू बहुत हाई हो गई है. अच्छा सडनली दैट्स व्हाट आई फील क्योंकि हर दूसरा इंसान रबाब रबाब रबाब. इवन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको इस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता था. अच्छा एंड नाउ ये थोड़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है मेन स्ट्रीम में लोगों को पता चल रहा है जनरल पॉपुलेशन जो हमारे लिसनर्स होते हैं मोस्टली उनको पता चल रहा है. एंड टॉकिंग अबाउट ये थोड़ा डिफरेंट जॉनराज का वो आई फील विद रबाब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसका एक माइंडसेट बना के रखा है कश्मीरियों ने कि अगर ये बजेगा तो छकर में बजेगा बजेगा तो किसी इंस्ट्रूमेंट के पीछे बजेगा. बट इस इंस्ट्रूमेंट को आगे लाना आई फील मैंने तो उतना किया नहीं बट आई फील जो हम मेरे सीनियर सुफियान मलिक टॉकिंग अबाउट सुफियान आपने नाम लिया था उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को उस पॉइंट पे लाया कि लोग रेकग्नाइज करते हैं ये एज फ्रंट ऑफ द स्टेज रहेगा ना कि जो कश्मीरियों का माइंडसेट था कि बजेगा तो हारमोनियम के पीछे बजेगा तो छकर में बजेगा. तो आई फील वो रबाब के साथ थोड़ा मुश्किल था बट नाउ वो भी वी आर गेटिंग इनटू दैट. अच्छा एक और चीज ये भी है कि जो आप भी स्टूडेंट्स है जो आप भी लर्नर्स है जो किसी इदारे से सीख के नहीं आते हैं या जो किसी घराने से सीख के नहीं आते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उनके लिए जो आपने कहा कि उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है खास तौर से जब आप आर्ट के फील्ड में हैं. ट्रू तो यहाँ पे म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स बहुत कम है और है भी नहीं मतलब देर आर वेरी फ्यू आई थिंक वेरी मिनिस्क्यूल. तो उसमें भी रबाब टीचर्स है नहीं. हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर एन आर्टिस्ट टू बेसिकली अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस एंड ऑल्सो ट्राई टू learn the new techniques, learn the new you know dynamics of this instrument. अगर आप YouTube पे जाके पियानो की बात करेंगे तो you will have abundance of you know material on piano. How to learn piano. Guitar या कोई और instrument. लेकिन रबाब का आपके एक limited ये है तो उसको कैसे आप how do you feel that? मेरा personal experience इसके साथ रहा है. जब शुरू किया था after couple of years मेरा मेरे जो टीचर थे डीपीएस में ही लेफ्ट ड्यूरिंग कोविड सो इट वाज जस्ट मी एंड माय रबाब परवेज सर जी सर. तो उन्होंने जितना सिखाया था एंड उस पॉइंट के बाद आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है. आई फील मैं भी किसी पॉइंट पे डीमोटिवेट हो गया था कि अब रबाब कौन सिखाएगा कैसे आगे लूंगा एंड म्यूजिक में इतनी टेक्निक्स इतने चीजें कॉम्प्लेक्स चीजें होती है अगर समझा जाए तो इजी बट स्टिल फॉर अ बिगनर कॉम्प्लेक्स उसको आगे लेना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था. अगर व्हाट आई पर्सनली फील इज अगर इंसान मोटिवेटेड होता है म्यूजिक में हमारे टीचर ने हमें बताया था म्यूजिक में यू डोंट लर्न बाय प्लेइंग यू लर्न बाय लिसनिंग. तो उस पॉइंट मे बी उस बात को कहीं मैंने अब्सॉर्ब कर लिया था सीख लिया था. तो बाकी प्लेयर्स रबाब प्लेयर सुफियान मलिक अदनान मंजूर इन लोगों को सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत देखते हैं तो इनको सुन सुन के
टेक्निक्स, इनको सुन सुन के द टेक्निक्स इवन दे हैव डेवलप, इसको सीखना वो मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, बट म्यूजिक इज ऑल अबाउट लिसनिंग। रबाब इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी क्या बनावट होती है, तो उसके बारे में इनको बताएं। जरूर, जो रबाब इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली इसमें प्लेइंग बेसिक्स में चलता हूं मैं, प्लेइंग के लिए तीन स्ट्रिंग्स होती है। तीन स्ट्रिंग्स नीचे से हम गिनते हैं क्योंकि ऊपर टॉप पे दो होती है, ये जो टॉप पे टू होती है कुछ लोग इसको अपने अगर वो कॉम्प्लेक्स करना चाहे अपनी म्यूजिक को ये या यूजुअली ये रेजोनेट करने के लिए होती है। रेजोनेट करने के लिए ये बाकी स्ट्रिंग्स भी होती है, सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स जो होती है। इस पे हम सरगम सारा ट्यून करते हैं एंड यूजुअली जो हम नोटेशन अपने गाने में चाहते हैं वही नोटेशन पे हम इनको ट्यून करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे टॉप पे थ्री एंड थ्री ट्यूनिंग कीज होती है और इनकी ट्यूनिंग कीज यहाँ से साइड से होती है। और कश्मीर में माना जाता है रबाब मेकर्स जो है वो कहते हैं जब तक रबाब के इंस्ट्रूमेंट की जो लकड़ी है वो अच्छी और वो जब तक सुर को अब्सॉर्ब नहीं करेगी तब तक रबाब रबाब नहीं है। तो मतलब ये जो इसकी जो लकड़ी है ये वॉलनट है। जी, बनता तो बहुत है बट ये वाला वॉलनट। अच्छा, जी। तो दूसरा ये कि नॉर्मली आप अगर देखें तो इसमें ये जो वर्क होता है जी, तो This is known as this is a shell basically. ये shell होते हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं? मैं तो usually इसमें हूँ नहीं, but ये मैंने customize करवाया था। अच्छा। मैंने कहा कारीगरी कर दो तो उन्होंने कारीगरी। अच्छा। तो अपने नाज़रीन को बताएं कि रबाब में खास तौर से मेरी खुद बहुत दिलचस्पी है और मैं भी कुछ लेवल तक रबाब बजाता हूँ और हमेशा ये कोशिश रहती है कि रबाब प्लेयर जो है, रबाब इंस्ट्रूमेंट जो है और हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम कैसे ज़्यादा प्रमोट करें और कैसे इनको हम आगे ले जाएं। तो आपको बता दें कि ये जो इसमें वर्क होता है तो दिस इज़ नोन एज सदफ वर्क। तो ये सदफ वर्क होता है और दिस इज़ मोस्टली नॉट डन इन कश्मीर, बट चूँकि ये रबाब ने यहाँ से बनाया है और यहाँ पे एक कारीगर है जो नारबल से है वो यहाँ पे ये सदफ करते हैं। दूसरा वॉलनट वुड का बनता है और एक और नायाब वुड होता है जिसको जो यहाँ के जंगलों में पाया जाता है उसका बनता है, लेकिन मोस्टली जो है ये जो शहतूत है मलबरी वुड, तो वो बैंड है, कटिंग ऑफ मलबरी इज बैंड। तो इसलिए रबाब बनाना भी एक जो है जो रशीद हाफिज साहब है उनके छक्कर, माय फेवरेट वन इज मलाल त्रवित। अच्छा, तो वो बहुत पसंद है। तो आप बजाए क्योंकि अब तो गाते नहीं है तो अदरवाइज ऑफ कोर्स कॉम्पोजिशन दैट आई लर्न्ड ईदाइरा सर, वो बेसिकली एक स्ट्रिंग पे। अच्छा। तो और उस टाइम पे हाथ उतने उठते नहीं थे रबाब पे, चलते नहीं थे, सो मैं दो उंगलियों से बजाया करता था वो। अच्छा। पूरी कॉम्पोजिशन तो वो थोड़ी इजी थी, वो सर ने सिखाई थी, देन उसी को आगे आगे करके फिर आया। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कुड टेक अहेड और अली इज राइट नाउ पैशनेटली इनटू लर्निंग दिस इंस्ट्रूमेंट एंड डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अली, जाते जाते आप कुछ हमारे नाज़रीन को सुनाए और जो आपका कुछ फेवरेट हो, तो उसके बाद हम भी आपको थोड़ा रबाब पे एक धुन सुनाएंगे, थोड़ी जुगल बनाएंगे। हाँ।
अगर हम इसको बिल्कुल अनप्लग तरीके से करें, हर मुख बरतल जा गए मदनो, ये दप हमके लागयो, हर मुख बरतल जा गए मदनो, ये दप हमके लागयो, हर मुख बरतल। बहुत खूब। और इस खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट को जब आप बजाने की कोशिश करें तो इसको बड़े तरीके से आप रखें। That's all about Rabab. That's all about the journey of Ali Shabir Gujwari, who is from Rajbagh, Srinagar. And Ali is passionately into Rabab. He is doing this different genres. He's experimenting different genres. And he has recently played in Bingo, Fankari Kashmir. He has recently played also in Kalautsav. And he's going to different places to promote this instrument and also taking the journey of Rabab ahead. Shabir, Ali Shabir, I always call you Shabir because Shabir is a very good friend of mine, his father. And Ali, I think you are going to take this mission ahead. Inshallah. And we at Awaaz the Voice, we wish you all the best for your journey. Thank you. Thank you so much.